कोटा में लॉकडाउन के बीच गरीब और निर्धन लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए बूंदी रोड स्थित आजमगढ़ गुरुद्वारे में लंगर शुरू कर दिया गया है, जहां हजारों लोगों का खाना तैयार होता है जो कि शहर के अधिकतर इलाकों में पहुंच रहा है। यहां पर समाजसेवी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। एवन टीवी की टीम ने भी आजमगढ़ गुरुद्वारे पहुंचकर अपना सामाजिक सरोकार निभाया और इनके जज्बे को सलाम किया। एवन टीवी की टीम पहुंची है बूंदी रोड स्थित आजमगढ़ साहेब के गुरुद्वारे। यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, इस तस्वीरों में कुछ खास आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि सिख समाज जो है वो लगातार सेवा के जज्बे के लिए जाना जाता है। ये तस्वीरें हैं लॉकडाउन के बाद में उन जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए ये लंगर चलाया जा रहा है। और इस लंगर में सबसे खास बात ये है कि अब उन जरूरतमंदों को यहाँ पर से खाने के पैकेट पैक कर पहुँचाया जा रहा है। सामने एक मशीन देख सकते हो जिसमें रोटियां बन रही है और रोटी बनकर यहाँ पर तैयार होती हुई आ रही है। साथ में ये जो महिलाएं हैं ये सेवादार हैं, इनको कोई पारितोषिक नहीं दिया जा सकता और ये सिर्फ समाज की सेवा कर रही है। और इसमें आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये खाना बन रहा है, पहले यहाँ पर लोग आते थे जो भूखे लोग होते थे, ये सभी धर्मों के लिए यहाँ पर सेवा उपलब्ध थी, मगर जिस तरह से देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी और लॉकडाउन की स्थिति के बाद में लोग कहीं ना कहीं अटपट चुके थे और जिन जरूरतमंद लोगों को खाना नहीं पहुँच रहा था उनको खाना पहुँचाया जा रहा था। कैमरा पर्सन से कहूँगा सामने की एक तस्वीर दिखाएं जहाँ पर ये खाना पैक हो रहा है, जहाँ पर ये खाना पैक हो रहा है जिसमें सेवादार लगे हुए हैं और सेवादार लगातार ये खाने के पैकेट पैक करके लोगों को पहुँचा रहे हैं। देखिए किस तरह से सेवादार अपना कार्य कर रहे हैं और इस सेवा के जज्बे को सलाम करना भी जायज है। इन सब लोगों को किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं है मगर लगातार इस सेवा के जज्बे को ये लोग कर रहे हैं। आज की अगर तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हो किस तरह से पैकेट बन रहे हैं, ये पैकेट हर उस जरूरतमंद आदमी के पास पहुँचाया जा रहा है जिनको इनकी आवश्यकता है। हमारे साथ तिरुमूल सिंह बेदी जी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से कार्य किया जाए। खासतौर साहब के मुख्य जत्थे बाबा लक्षा सिंह जी की सेवाएं अजमल साहब की पूरे हारोती में नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। जब वृद्धाएं आती हैं तो हमेशा गुरुद्वारे आगे आते हैं। इस वृद्धा के अंदर क्योंकि सबसे पहले जरूरत थी शहर को सैनिटाइज करने की, तो 20 दिन से गुरुघर के सेवादार पूरे शहर को जितने हॉटस्पॉट है यहाँ पे कोई जाके राजी बाथरूम को सैनिटाइज किया। उसके बाद जब जरूरत आई कि भाई यहाँ पे लंगर बहुत जरूरी सही है, लोग नहीं जा पा रहे, एमबीएस हॉस्पिटल है जो हॉटस्पॉट है, सब लोग यहाँ पे वहाँ के लिए व्यवस्था यहाँ से चालू करी गई। बाहर से चालू करके सारे कार सेवक हैं, ये सब कार सेवा करने आते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे तो गुरुघर के हमारे धामी हैं। तो बाबा लक्षा सिंह जी का एक सीधा सा सबको एक जवाब है कि कोई भी गुरुघर का प्यारा जो गुरुघर आता है वो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो उसके अंदर जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहती है उसके अंदर ये चालू रहें और ये सेवा जारी रहे। तो एक जज्बा आपने बाढ़ में भी देखा, बाढ़ के अंदर 9 दिन तक लगातार सुबह सेवा जारी, शाम सेवा जारी, अभी सेवा लगातार जारी है, सेवा में कभी कमी नहीं। और सिक्की की जो निशानी है कि मानस की जात एक ही पहचान, उनके हिसाब से ये लंगर की करी जाती है। जिला प्रशासन, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री शांति धारीवाल जी, इन सबके जो अच्छे के भी खड़े हैं, अमित धारीवाल, सब लोग कहा कि आप एक खड़े हैं इस चीज को आगे लेके आए हैं। तो बाबा जी ने हमेशा सबको एक माना और सबको लेकर साथ चलते हैं, इसलिए ये सेवाएं देख रहे हैं आप जो सेवा कर रही है। अरे गुरुघर की मर्यादा कहीं भी भंग ना हो, गुरुघर के हिसाब से काम करें, ऐसे काम करते हैं। वाहेगुरु से यह अरदास है कि एक काम ऐसे करते रहे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का। ये थे हमारे साथ तिरुमूल सिंह बेदी, ये समाज सेवक हैं और लगातार सिख समाज से ही नहीं और भी कई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। सामने की तस्वीरों में देख सकते हो ये वो जरूरतमंद हैं जिनको खाने भोजन के लिए गुरुद्वारे पहुँचे हैं, ये यहाँ आस पास रहते हैं इसलिए वो यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको सेवाएं दी जा रही हैं। निश्चित तौर पर यह प्रयास काफी ही सराहनीय है और इस प्रयास की
जितनी तारीफ की जाए उससे कम है। एवन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज एवन के लिए कोटा।